अगर आपके सर के बाल जो है ये बहुत टूट रहे हैं, मतलब आपके बाल जो है ये बहुत टूट रहे हैं, तो आप थोड़ा सा किसी भी तेल, जो मैंने तेल आपको बताया, उन कोई भी एक तेल उसमें डाल के कास्टर ऑयल आप अपने बालों में लगाएं, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उंगलियों के सहारे उसको अच्छी तरह से मसाज करें। अपने स्कल्प को आप अच्छी तरह से ऐसे इस तरह से आप अभी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से कर करके आप अच्छी तरह से मसाज करें अपने स्कल्प को एकदम अच्छी तरह से, या किसी को बोले हाथ का ये हिस्सा जो है वो यूज ना करें, हमेशा उंगलियों के पोरों से ही आप अपने सर को मसाज करें, ठीक है। इससे अगर आप हफ्ते में 2 बार ऐसा करते हैं तो इसका बहुत बड़ा वाला फायदा जो है ये होता है, इससे आपके बाल जो है ये टूटना जो है ये बंद बंद हो जाते हैं, क्योंकि कस्टर्ड ऑयल जो है वो अन्य तेल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर आपको विटामिन ई कैप्सूल्स मिल जाते हैं कहीं पर तो वो भी आप थोड़ा सा डाल दें इस तेल में, और उसको अपने फेस पर भी लगाएं और अपनी सर में भी लगाएं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा जो है ये होता है। इसके अलावा अपने फेस पर कास्टर ऑयल रोज रात को लगा के आप सो सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं तो आपसे मैं कहूंगी कि आप ना करें, लेकिन जिनको पिंपल्स नहीं निकलते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये लगा सकते हैं। पिंपल्स अगर निकलते हैं और अगर आप कास्टर ऑयल लगाते हैं, क्योंकि कास्टर ऑयल बहुत हेवी होता है, लाइट तेल ये नहीं है, कोकोनट वर्जिन ऑयल की तरह ये लाइट नहीं होता है, तो ये काफी हैवी है, तो इसको अगर आप फेस पर लगाते हैं तो ये ब्लॉक करेगा ना, तो जितने मतलब आपके जो रोम छिद्र हैं यानी कि जो पोज है इनको ब्लॉक करेगा, और फिर इश्यूज जो है ये होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा पिंपल्स जो है ये निकल सकते हैं आपको, तो प्लीज आप इस बात को बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा पहले कहीं पर कास्टर ऑयल को लगा के देख लें कि कहीं ये कास्टर ऑयल जो है ये आपके लिए एलर्जिक तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए होता है, हम शायद कभी इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ये होता है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, तो ये बहुत जरूरी है। कभी कभी आंखों में, अगर आंखों की पलकों पे अगर आप लगा रहे हैं तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखें, बहुत सारा नहीं लगाना है वरना आंखों में जाता है तो जल सकता है, आंखें जल सकती है।